तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक साथ हूँ, आज एक टॉपिक है। आज मैं बेटा फिश के ऊपर एक वीडियो लाया हूँ। फिशेस अगर आपकी स्ट्रेस से देखिए साथ ही, मेरी बेटा फिश जो है स्ट्रेस हो चुकी है। मेरे पास टोटल 5 बेटा फिशेस हैं, 5 में 4 हेल्थी हैं लेकिन एक स्ट्रेस हो चुकी है। स्ट्रेस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि फिशेज जो है पानी के ख़राब होने की वजह से स्ट्रेस हो जाती है। पानी बहुत ठंडा होता है, लो टेम्परेचर होता है, तब भी फिशेज जो है स्ट्रेस हो जाती है। प्रॉपर फूड नहीं मिलता, लो क्वालिटी फूड मिलता है, तब भी फिशेज जो है स्ट्रेस हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट किस तरह आपकी बेटा फिशेज को अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो किस तरह उसको क्योर करते हैं। अगर बेटा फिश स्ट्रेस हो जाती है तो क्या होता है, तो देखिए हम मेरे पर 5 बेटा फिशेज हैं, 5 में 4 भी हेल्थी हैं लेकिन ये अभी स्ट्रिक हो चुकी है। शायद फीमेल अभी तक नहीं आई मेरे पास। फीमेल को ऑलरेडी ऑर्डर किया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया, तो पता नहीं कब आएगी फीमेल। ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ मैं अच्छी ब्रीड के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बेटा फिश अगर स्ट्रेस होती है तो क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अगर बेटा फिश स्ट्रेस होती है तो उसका कलर फेड हो जाता है, उसके फिन जो है वो क्लैम्प हो जाते हैं। फिन मतलब उसके उसके पर जो होते हैं वो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, वो प्रॉपर उसको स्विम नहीं कर पाती, एक ही जगह खड़ी रहती है या हाइडी कभी भी हाइड रहती है, और खाना खाना बंद कर देती है, फूड एक्सेप्ट नहीं करती। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसको आप क्योर कर सकते हो एक्वेरियम साल्ट लेकर, जो नॉन आयोडीन एक्वेरियम साल्ट होता है। कोई भी कंपनी का चल सकता है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी का एक्वेरियम साल्ट लो। अगर आपके पास एक्वेरियम साल्ट नहीं है तो सेंडा नमक आता है मोटा वाला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नॉन आयोडीन होना चाहिए। अगर आयोडीन वाला जो नॉर्मल टाटा साल्ट या निर्मा साल्ट इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो, अन्नापूर्णा इस तरह के बहुत सारे किचन साल्ट मिलते हैं, उसमें आयोडीन होता है जो हम लोगों के इंसान के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन फिशेस के लिए वो हार्मफुल होता है। फिशेस को अगर आयोडीन साल्ट डालोगे तो वो फिशेस और भी ज़्यादा सीख होकर मर जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ आप नॉन आयोडीन साल्ट ही लेकर डालें, या नहीं है तो आपके पास ब्लू लिक्विड भी डाल सकते हैं। तो तरीका ये होता है कि सबसे पहले एक थोड़े ग्लास में एक पानी ले लें, छोटे ग्लास में पानी लेकर 1 टीस्पून पर 1 फीट के हिसाब से आप एक्वेरियम साल्ट उसके अंदर डालकर उसको घोल देना है, ताकि नमक को, अगर आप डायरेक्ट नमक डालोगे तो फिशेस को खा सकती है। कभी कभी सारा नमक जो है वो पानी में घुल नहीं पाता, इसलिए सबसे पहले आप एक अलग एक ग्लास में पानी लेकर उसमें नमक डालकर घुला लो। मतलब 1 टीस्पून पर 1 फीट है, अगर 2 फीट की टैंक है तो 2 टीस्पून डालकर उसको पानी को जो है घोल लो। जब एक्वेरियम साल्ट मिक्स हो जाएगा तो उसमें बाद में पानी में डाल दो। सबसे पहले अगर एक बात बता दूँ, नमक या साल्ट या जो भी आप ब्लू लिक्विड डालते हो उससे पहले 50% पानी चेंज कर लेना है, उसके बाद आप एक्वेरियम साल्ट डालना है या ब्लू लिक्विड डालना है। ऐसा डेली 3 से 4 दिन तक करना है, डेली 30% पानी चेंज करो। पानी चेंज करने के बाद एक्वेरियम साल्ट डालो या ब्लू लिक्विड डालो, इसको फॉलो अप करो 3 से 4 दिन। उसके बाद आपकी फिशेज देखिए स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, नॉर्मल आपकी फिशेज खाना खाना स्टार्ट कर देगी, एक्टिव रहेगी, कलर भी धीरे धीरे 1-2 वीक में वापस आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो बस यही था, बहुत छोटा वीडियो था लेकिन बहुत ज़रूरी था ये बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनकी बेटा फिशेस स्ट्रेस हो जाती है। तो इसको देखकर आप अपनी फिशेस को क्योर कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे डिटेल्स में पूछ सकते हो कमेंट में। फिर एक नेटो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते, गुड बाय।